हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग जिसे मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड पीस और क्ले से बनाया है। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सेम साइज़ के दो कार्डबोर्ड लिए हैं और इसे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूँगी जिससे ये कार्डबोर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कार्डबोर्ड के साइड को कवर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप लिया है और इसे इसके कॉर्नर पर इस तरह से लगा दूँगी। इसके ऊपर टेक्सचर ऐड करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर लूँगी इसके ऊपर। इसकी सरफेस को हमें स्मूथ नहीं करना है, इसे इस तरीके से रफ ही रहने देना है। कॉर्नर को भी मैं फेविकोल की हेल्प से टिश्यू पेपर को स्टिक कर लूँगी। अब ये बिल्कुल रेडी है इसके ऊपर काम करने के लिए। बेस कलर करने के लिए मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर लिया है, इसको पानी मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैंने कलर करने के लिए स्काई ब्लू कलर और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने पसंद के दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इससे बीच बीच में ही कलर किया है। आपको जैसा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। सूखने के बाद मैं इसके ऊपर बर्ड और ट्री ब्रांच ड्रॉ कर रही हूँ जो मुझे बनाना है। इसके बाद क्ले से अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं पहले ट्री ब्रांच बना लूँगी, उसके बाद बर्ड बनाना स्टार्ट करूँगी। ब्रांच बन के कम्प्लीट होने के बाद अब हम बर्ड बना लेंगे। इसके लिए मैंने क्ले को थोड़ा फ्लैट कर लिया है और फेविकोल लगा करके इसे स्टिक कर लूँगी। ब्रांच बन जाने के बाद अब मैं फ्लावर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत इजी तरीके से फ्लावर बनाया है। अगर आपके पास टूल है तो आप उससे फ्लावर बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। इस तरीके के फ्लावर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया है,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। मैं बर्ड को कलर करने के लिए येलो, ऑरेंज और ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। बर्ड के आइज़ बनाने के लिए मैंने माचिस की तीली का यूज़ किया है। पहले वाइट कलर का यूज़ करेंगे, फिर ब्लैक कलर से डॉट बना देंगे। इसके बाद बाकी चीज़ों को कलर करना स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को कलर करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। मैं बॉर्डर बनाने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो क्ले से भी बॉर्डर बना सकते हैं। और हमारा क्राफ्ट लंबे समय तक सेफ रहे इसके लिए मैंने इसके ऊपर वार्निश अप्लाई किया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी होम डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।